नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरर्स। एरर्स को हिंदी में कहा जाता है त्रुटि। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हम क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं और आपको उनके आंसर्स प्रेडिक्ट करने हैं, लिखना है अपने पास और फिर लास्ट में जाकर आंसर्स को मैच कराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। द्रव्यमान तथा चाल, ठीक है, के मापन से प्राप्त द्रव्यमान तथा चाल में प्रतिशत त्रुटियां, ये दोनों त्रुटि दी है। त्रुटि मतलब एरर्स दी है। तो गतिज ऊर्जा की गणना में त्रुटि कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश में भी देख लीजिए क्या दिया है। परसेंटेज एरर आपको फाइंड करनी है। मास के लिए 2% दी है, स्पीड के लिए 3% दी है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर होगी, क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। और एरर, परसेंटेज एरर आपको निकालना आती है ना, जो भी एरर्स होंगी उनका तो मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2% मास के लिए है तो 2% का मल्टीप्लाई किसके साथ, वी स्क्वायर के साथ। अब वी की एरर कितनी है, 3% है, लेकिन वी के ऊपर स्क्वायर है। तो जब भी कोई पावर आ जाती है, घात हमें मिल जाती है, तो क्या करते हैं हम उस एरर के साथ उस घात का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर आया है तो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो टोटल कितना हो रहा है, 2% प्लस 6% मतलब 8%। चलो ये पहला आंसर तो मैंने निकाल दिया इसका, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। लास्ट में आंसर हम चेक करेंगे। आगे का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए पॉज करके इसको। एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%। कैलकुलेट एरर इन वॉल्यूम, आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और त्रिज्या के मापन में त्रुटि है 1%। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है आयतन का, वी इक्वल टू, ठीक है ना। तो आर में कितनी त्रुटि है, 1% की। पावर कितनी है, 3। पावर का क्या करना होता है पता ही है आपको, देख लीजिए इसमें से आंसर चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए इसको। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, फॉर्मूला क्या है हीटिंग इफेक्ट का या हीट प्रोड्यूस का, I²RT। तो I तो करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। एरर दी है I में, R में और T में, तीनों में एरर भी दी है। देख लीजिए कितनी एरर बनेगी। हीट को हिंदी में ऊष्मा कहा जाता है और ये जूल का नियम है, H=I²RT। आई आर और टी तीनों में क्रमशः त्रुटि दी भी है और एच में आपको त्रुटि टोटल निकालनी है। निकालिए आंसर अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, लास्ट में आंसर दिए हैं, सबके आंसर्स चेक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक भौतिक राशि पी जिसको इस तरह से दर्शाया जाता है, उसमें अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। फिजिकल क्वांटिटी पी है, उसको इस तरह से बताया है, a³, b² / c²-4 एंड d³³/2, इस तरह से बताया है। तो इनमें से मैक्सिमम परसेंटेज एरर किस में होगी, किसके कारण आ सकती है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण या डी के कारण, ये आपको देखना है और बताना है कि कितनी किस में मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पावर का मल्टीप्लाई किया जाता है एरर के साथ। तो देख लीजिए किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसी का आंसर, वही करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। इसको करेक्ट करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पॉज करिए और रीड करिए।
एल इतना है, बी इतना है, तो एल प्लस बी कितना होगा? ये एक्चुअली आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड ऑफ टेक्निक जो होती है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, उससे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी लीस्ट नंबर होता है डेसिमल के बाद, उसी को हमको आंसर में लेना होता है। तो डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर कितना है? वन है। वन कहने का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद सपोज यहाँ पर दिया है 5, 3, 2 और एक दिया है 3, 5, 7, 6। तो लीस्ट नंबर किसके पास है? सबसे कम नंबर किसके पास है? इसके पास है। और कितने हैं? 1, 2, 3। तो हमें डेसिमल के बाद 3 नंबर तक अपना आंसर निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद इन दोनों में, इसके पास तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं और इसके बाद डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो हमें इस वाले के नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर के आगे डेसिमल नंबर मार्क करना है। तो अब देखो, इनको ऐड करो, 2 + 2 तो 4 हो जाएंगे, और 0.3 + 0.1 4.4, लेकिन 4.431 आंसर बन रहा है, बट आपको 4.431 नहीं लेना है, आपको लेना है 4.4, ठीक है? इसका भी आंसर मैंने बता ही दिया आपको, बट आपको अभी भी आंसर चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक भौतिक राशि ए 4 प्रक्षेपित राशियों ए बी सी डी से इस तरह से बनी हुई है, ठीक है? और ए बी सी डी की यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर दी है, प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर को कहा जाता है प्रतिशत त्रुटि। तो टोटल ए में कितनी आएगी? क्या करना है आपको? ए का मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई, सी का मल्टीप्लाई, डी का मल्टीप्लाई। साथ में क्या करना है? ए की पावर कितनी है तो ए के साथ मल्टीप्लाई, बी की पावर जो है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई, सी की पावर जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई, डी की पावर जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई, और टोटल कर देना है और आंसर चेक कर लेना है, ठीक है? इस तरह से आंसर निकाल करके देखिए। इंग्लिश में भी इसको रीड कर लीजिए एक बार। अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। द परसेंटेज एरर आर 1%, 3%, 2% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। इसके उसके बाद लास्ट में जाकर क्वेश्चन आंसर्स को चेक कर लीजिए। जिसके आंसर सभी करेक्ट आते हैं या जितने भी करेक्ट आते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कितने आंसर्स आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द रेजिस्टेंस वी बाय आई इज गिवन, वी इक्वल टू 100 ± 5 एंड आई इक्वल टू 10 ± 0.2। व्हाट इज द टोटल एरर इन आर? ये आपको फाइंड करना है, आर में टोटल एरर कितना है, ठीक है? एक बार पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में। ऑप्शन इंग्लिश हिंदी का ये जो ऑप्शन है ये है 5/2%, जो डी ऑप्शन है। आप ऊपर से ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सारे सेम है। दिया है प्रतिरोध R इक्वल टू V बाय I, जहां V जो है वो 100 ± 5 वोल्ट है, I जो है वो 10 ± 0.2 है। तो टोटल एरर कितनी होगी, टोटल त्रुटि कितनी होगी? सारे आंसर्स आपने अगर लगा लिए हैं तो अब आंसर्स को चेक कर लीजिए। ये है आंसर्स, फर्स्ट का ए, सेकंड सॉरी फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का भी बी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का डी एंड सेवन्थ का बी, ठीक है? चेक करिए, टोटल 7 क्वेश्चन से 7 में से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका आंसर, आपको कॉन्फिडेंट है आपकी आपका आंसर सही है लेकिन यहाँ पर आंसर गलत है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी इन आंसर्स को चेक कर लूंगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हम 1D मोशन लेने वाले हैं, तो 1D मोशन से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक
आप वन डी मोशन के क्वेश्चंस को, वन डी मोशन के फॉर्मूले जरूर एक बार रीड करके रखिए उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले।